जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आशय शुक्ला और माय इंडिया माय डेवलपमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यहाँ सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ कारणों से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया दोस्तों। और सबसे मेन बात, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और बहुत बहुत बधाइयाँ भी देना चाहूँगा कि हमारी जो माय इंडिया माय डेवलपमेंट की फैमिली है वो 70 सब्सक्राइबर से 150 प्लस सब्सक्राइबर की हो गई। दोस्तों, आप सभी के इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। अब हमारा जो अगला टारगेट है वो है 31 दिसंबर से पहले हमें 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है। अगर आपका प्यार और विश्वास इसी तरह बना रहा तो हम ये टारगेट भी बहुत ही जल्द अचीव कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अब हमारे टॉपिक पर आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं कि जो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और उनके पास बहुत ज़्यादा एरिया भी नहीं होता है। तो आज का जो हमारा बिज़नेस है उसमें ना तो किसी प्रकार के एरिया की बॉन्डिंग है, ना तो किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट की बॉन्डिंग है। आप जितने चाहे इतने एरिया में बिज़नेस कर सकते हैं, जितने चाहे उतने इन्वेस्टमेंट से बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आज का जो हमारा मेन बिज़नेस का टॉपिक है वो है नर्सरी बिज़नेस का। जी हाँ दोस्तों, आपने नर्सरी बिजनेस हो सकता है देखा भी होगा, हो सकता है नहीं भी देखा होगा, तो आज हम उसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। दोस्तों, नर्सरी का जो बिज़नेस होता है सबसे मेन बात ये होती है कि इसमें किसी भी प्रकार के आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आप इस बिज़नेस को कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं और कितने भी एरिया में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके घर के ऊपर छत अवेलेबल है वो आप छत पर भी ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये होगा, आपको कुछ चीज़ें खरीदनी होगी, वो भी बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट है। वो भी आप पर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितने का सामान खरीदना चाहेंगे। इसके लिए बेसिकली आपको लगेगी मिट्टी, उसके बाद लगेंगे गमले, उसके बाद लगेगी खाद, उसके बाद लगेंगे कुछ इक्विपमेंट्स जिससे आप कुछ पेड़ पौधे लगाएंगे। उसके अलावा आपको कुछ पौधों के बीज लगेंगे जो कि आपको सरकारी नर्सरी से अवेलेबल हो जाएंगे काफ़ी सस्ते रेट में। बस इसमें इतनी ही इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद आपको, यदि आप खुद बहुत अच्छे तरीके से नर्सरी बिजनेस के बारे में या पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अदरवाइज़ आपको जो कृषि कॉल सेंटर है उससे भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए या नेट पे कहीं पे भी आप सर्च कर सकते हैं कि इस बिज़नेस में जो पेड़ पौधे हैं या उस पर्टिकुलर पौधे में बीज से लेके उसको किस तरह से उसको मेंटेन किया जाता है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है। तो दोस्तों, नर्सरी का जो बिज़नेस है यह अभी के तारीख में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग बिज़नेस है, क्योंकि आज ऐसा है कि है बहुत से लोग जो बंगले होते हैं, स्कूल्स होते हैं, होटल्स होते हैं और भी ऐसे जो कई सरकारी जगह होती है जैसे मंगल कार्यालय हैं, यहाँ पे आजकल जो काम होता है यहाँ पे वो लोग माली को नौकरी पे रखने से अच्छा किसी न किसी नर्सरी को वो कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। तो ये जो मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है ये आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसमें आपको करना ये होगा कि एक 10-15 आप ऐसे जगह चुन लीजिए, वहाँ पे आप अपने रिलेशन बनाइए और वहाँ पे उनका आप मेंटेनेंस का काम लीजिए। तो ये बिना इन्वेस्टमेंट में आपका बहुत अच्छा बिजनेस चालू हो सकता है। इसमें जो इनकम है वो आप 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख कितनी भी कमा सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी, ये बहुत मेहनत का काम है, इसलिए आपको थोड़ा फिजिकल मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, लेकिन एक बार ये बिज़नेस अगर सेट होता है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट भले ही कम है लेकिन इसमें फिजिकल मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी, तो आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। दूसरा, आपको आने वाले टाइम में कुछ मैन पावर भी रखनी पड़ सकती है, लेकिन जैसे जैसे आपका बिज़नेस बढ़ेगा वो उसी तरह ही इस बिज़नेस में मैन पावर बढ़ाइए ताकि आपके ऊपर सैलरी का बोझ ना आए। तो दोस्तों, इस बिज़नेस के बारे में अगर मैं और बताऊं तो आज के तारीख में जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जैसे रास्तों के किनारों पे जो पेड़ लगाने के प्रोजेक्ट्स हैं, उस तरीके के भी जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आपको इसमें मिल सकते हैं। दोस्तों, इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं जो आप नर्सरी के बिज़नेस से कर सकते हैं। आपको सिर्फ प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी,
आपके आसपास में जो भी इस तरीके के इंस्टीट्यूशन होते हैं जो खेती की जानकारी देते हैं, आप वहाँ जाइए, वहाँ पर ट्रेनिंग लीजिए और इसके बारे में सीखिए। दोस्तों, नर्सरी का बिजनेस आज के तारीख में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों, आज के बिजनेस इन्फॉर्मेशन में इतना ही। हम अब यहाँ से रेगुलर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर बिजनेस की इन्फॉर्मेशन की अपडेट्स मिलते रहे। तब तक के लिए वंदे मातरम।